दोस्तों जब कभी भी हम कोई भी बड़ी फिल्म को या कोई भी नई फिल्म को टेलीविजन पे देखते हैं तो क्या होता है कि सैटेलाइट राइट्स खरीदने पड़ते हैं, ठीक है। जो भी चैनल मान लीजिए अगर सोनी कर रहा है, कलर्स कर रहा है या स्टार प्लस कर रहा है, तो उसे फिल्म के सैटेलाइट राइट्स खरीदने पड़ते हैं और अपने चैनल पे तभी वो फिल्म को चला सकते हैं। ऐसे में आपको बता दूं कि सलमान खान की जो लास्ट रिलीज थी यानी कि टाइगर जिंदा है, उसके राइट्स 70 करोड़ के बिके थे। जी हाँ, 70 करोड़, इट्स अ ह्यूज अमाउंट। और इस फिल्म ने रिकॉर्ड बना दिया था कि इतने महंगे सैटेलाइट राइट्स आज तक किसी भी फिल्म के नहीं खरीदे गए किसी चैनल के द्वारा। अब दोस्तों खबर ये आई है, अंदर के जो खुफिया सूत्र हैं उनकी बातें पता चली हैं कि रेस 3 जो कि अभी बन ही रही है, मतलब शूटिंग चालू आ है, शूटिंग कंटिन्यूसली चल रही है, तो उसके सैटेलाइट राइट्स दोस्तों अभी से ही खबर आ रहे हैं कि बिकने वाले हैं। जी हाँ दोस्तों, मैं आपको बता दूं कि यहां पर जो चैनल जिसने ऑफर किया है 75 करोड़, लेकिन प्रोड्यूसर रमेश तौरानी ने कहीं ना कहीं जो है अटकलें लगा दी हैं, क्योंकि उनके पास एक ट्रंप है और ये ट्रंप कार्ड जो है वो है भाईजान। मैं आपको बता दूं रेस 3 है ना बहुत बड़ी सुपरहिट होने वाली है, जिसकी वजह से मेकर्स ने डिसाइड किया है कि वो 150 करोड़ के सैटेलाइट राइट्स बेचेंगे चैनल को। OMG, और अगर 150 करोड़ हो गए दोस्तों, लेट मी टेल यू, ये सबसे बड़ी फिल्म होगी अभी से ही जिसके राइट्स 150 करोड़ में बिक चुके हैं। सोचिए 150 करोड़ यहां से आ गए, प्लस फिल्म तो डेफिनेटली 200-300 करोड़ पार करेगी बॉक्स ऑफिस पर। तो भाई मुझे लगता है 101% रेस 3 होने वाली है 2018 की सबसे बड़ी ब्लॉकबस्टर फिल्म। आपको क्या लगता है? वेल हाँ, एक और चीज, जब इस बारे में रमेश तौरानी से बात की गई, जो मिस्टर प्रोड्यूसर हैं फिल्म रेस 3 के, तब उन्होंने बोला देखो भाई अभी ऐसा कुछ भी नहीं है और मैं इस बारे में सैटेलाइट राइट्स के बारे में कुछ भी बात नहीं करना चाहता। तो भाई आपको क्या कहना है इस बारे में, कमेंट सेक्शन आपके हवाले, मुझे जरूर बताना। फिल्मी अपडेट्स के लिए कहीं ना जाना, सीधे यहाँ ना राहुल बोझ के पास। फिल्मी आ रहा है ना बॉस।